आइए, सबसे पहले हम आपको ले चले कामरूप प्रदेश, प्रदेश जी हाँ, कामरूप प्रदेश, वो स्थान जिसके बारे में सभी जानते हैं कि जब बाहर से कोई वहाँ आता है तो वहाँ की जल जैनिया उन्हें भेड़ बकरी जानवर बनाकर अपने पास कैद कर लेती है। हमारे भी जिज्ञासा हुई कि हम कामरूप प्रदेश जाएं, और अभी कुछ दिनों पहले हम लोग गए कामरूप प्रदेश, तो वहाँ की जल जैनियों ने हमारे ऊपर भी अपने ढेर सारे प्रयोग किए, लेकिन उनके सारे प्रयोग विफल हो गए और हमने वहाँ कामरूप प्रदेश की धरती पर और वहाँ की जल जैनियों पर जो प्रयोग किया, आइए हम वो आपको दिखाएं। कामरूप प्रदेश और कामरूप प्रदेश का तिलस्मी घड़ा, घड़ा Thank you.
देशों के अलग अलग शहरों को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं अपनी वो रहस्यमयी दुनिया। नाउ यू सी द मिस्टीरियस वर्ल्ड 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 जादू के साथ जुड़े रहे, जादू में अपनी पहचान बनाए रहे। इन प्रदर्शनों के बिना कोई भी एक जादू शो हमेशा ही अधूरा है। आइए उसी में से कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, देखते हैं मैजिक ऑफ ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशन।
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता होता। आप लोगों ने देखा कि माँ के इस गर्भ में इस लड़की की रक्षा तो होती है, लेकिन ये रक्षा आखिर कौन करता है? प्रकृति की देवी, देवी आइए हम आपको अपने ही जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताएं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया में ही हरिद्वार में हमारा शो चल रहा था। सुबह एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे पे आए, बोले बच्चा कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए बहुत कृपा हो। सुबह का समय था, हमारे यहाँ भोजन भी नहीं तैयार। महात्मा जी को कुछ कच्चे चावल दिए गए। महात्मा जी चावल पाकर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, ढेर सारे आशीर्वाद दिए और भगवान से प्रार्थना की। उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखें। पावर ऑफ द प्रे, प्रे। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी थी, महात्मा जी को उसी कटोरी में चावल दिए गए। हमने देखा कटोरी में चावल कुछ ज्यादा हो गया, महात्मा जी ने फौरन उंगली के इशारे से चावल को बराबर कर दिया। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और थी, उससे ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप देखिए उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी। नाउ यू सी, चावल डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। फौरन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता। 5 सेकंड प्रार्थना की चावल दोगुना हो गया। क्यों ना इस तरीके से चावल 2 गुना से 6 गुना 8 गुना 16 गुना इस तरीके बढ़ाते बढ़ाते 1 गुना 2 गुना लखपति करोड़पति अरबपति बन जाऊं और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं। जब साधु महात्मा के मन में ये बात आती है, महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से महात्मा जी पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भी देखें क्या होता है। नौ से चावल डबल नहीं होता और साधु महात्मा के पास जो कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, बन जाता है पानी, पानी, पानी। इसलिए मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना बुरी बला है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो मनुष्य लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसा कि आपने देखा एक साधु महात्मा होते हुए जब उनके मन में लालच आई तो चावल पानी बन गया। अब आपके लिए लेकर आ गए दुनिया का अजूबा स्टैचू ऑफ लिप्लोट।
ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में, उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है। जो एक्चुअल स्टैचू उसकी हाइट 151 फीट और जो आप इस मंच पर देख रहे हैं इसकी हाइट है 12 फीट। इस स्टैचू को पीछे की तरफ से कवर करने के लिए बड़ा सा फ्रेम लगा है और सामने की तरफ से कवर करने के लिए हमारे पास एक पर्दा है, तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टैचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टैचू इस पर्दे से ढका हुआ है। आइए इस स्टैचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टैचू का मसाल दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टैचू को अब हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या, पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टैचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मेडिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज़ को गायब करने के लिए पहले उसे एक पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नज़रों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज़ पर्दे को वापस नीचे लाया जाए। आप लोग जो ये स्टैचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ। फिर जो स्टैचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो, ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे। नाउ यू सी फिनिशिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन स्लो मोशन। Right.
भक्ति भाव में डूबे हुए हमारे इस विशेष चमत्कार को आपने देखा। हमारा ये चमत्कार किसी दैवी इंद्र चीज पूरे विश्व हमारी ये कला इसी नाम से जानी जाती है और इस कला को आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी एक खास नाम है। आइए देखते हैं इस नाम को भी नव सर जी माई फादर्स नेम इज ओ पी सर। तो आइए अब हम आपके लिए खास तोहफा लेकर आ रहे हैं, वो तोहफा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है जी, जिसके लिए आपका ये जिया बेकरार है और इस पूरे वातावरण में छाई बहार है। देखते हैं इस तोहफे को भी नाम से इंटरवल इंटरवल हाजिर हो गए आपके सामने अपने मायाजाल के जहाज को थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद। हम लोग यहाँ आपके बीच आपके शहर है अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ढेर सारा आप लोग का प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। रोजाना 200 पहला शाम को 4 बजे, दूसरा 7 बजे और शनिवार रविवार 2 दिन 300, 1 बजे 4 बजे और 7 बजे। और आप सभी की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग सुबह 10 बजे से यहाँ हॉल पर और ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए मैजिशियन opsharma.com पर लॉग इन करके जादू कला इसका जन्म अपने ही देश में हुआ और यही से पूरे विश्व में चारों ओर फैल गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जादू कला विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता रहा कि जादू कला भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो समय है, यह है इंटरनेट, व्हाट्सएप और यूट्यूब का, और यह दौर इस जादू कला के लिए बहुत चुनौती भरा है। आज के समय में इस जादू कला के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि और भी विभिन्न कलाओं को इस जादू कला में समायोजित किया जाए। और यह इसी प्रयास में एक नए प्रदर्शन को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। देखते हैं द माइंड मैजिक 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 Thank you.
ट्रैक को आपसे चेक कराने के लिए चाहेंगे कि आप दर्शकों के बीच से कोई भी एक 16 से 60 साल के बीच की कोई लेडी आ जाए इस मंच पर, उसे चेक कर लीजिए या नहीं, पर जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोगों के लिए। अब इनके हाथों को टच करके देखिए, हाथ असली है, दूसरा हाथ ये भी असली है, इधर फेस दोनों को टच करके देखिए असली है, इधर असली फेस। अभी बोलेंगे 1, 2 और 3, जैसे 3 बोलेंगे आप लोग अपनी तालियों से हमारी ताल के साथ ताल मिलाइए और देखिए आगे होने वाले चमत्कार को। 1, 2, 3 फिर से चेक कीजिए, देखिए हाथ वही है, फेस फेस वही है, ओके थैंक यू प्लीज। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना अगला प्रेम।